मुशायद साहब, मेरा ख्याल है टाइम हो गया, आप शुरू करते हैं तो जी बिल्कुल, बाकी बिस्मिल्लाह करें जी, क्वेश्चन बिल्कुल आंसर आई एम में रेडी। करेंगे। तो टॉपिक आपका जो है वो तो पाकिस्तान इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, और जो बाबर साहब ने कुछ चीजें ऐड कर दी हैं वो उसके साथ डिस्कस कर सकें, बाकी फिर क्वेश्चन आंसर में हम करें। तो ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोफेसर शाहिद साहब और बाकी साथियों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ मुकालमा। मुकालमा जो है डायलॉग, और डायलॉग इज द एसेंस ऑफ एनी सिविलाइज्ड डिस्कोर्स, और मुकालमा ही बुनियाद है। अगर आपने किसी नतीजे पर पहुंचना है किसी मसले पर, तो वो गुफ्तगू के जरिए मुख्तलिफ राय आने के बाद एक फिर कंसेंसस फॉर्म होता है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, एंड आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी इनवाइटेड स्पेशली फॉर दिस सेशन। गो के मैं मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मैंने कमिटमेंट की थी प्रोफेसर साहब से, और मुझे बड़ी खुशी है कि इतना डाइवर्स और डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस है मेरे पास, लेडीज एंड जेंटलमैन की। और खास तौर पर लेडीज को मैं मुबारकबाद बिलेटेड दे दूं, कल हो गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे, लेकिन वो चेयरमैन माओ कहते थे विमेन होल्ड हाफ द स्काई, और कायदे आजम ने खुद भी कहा था कि अगर खवातीन ना होती तो पाकिस्तान ना होता, और इसीलिए वो अपनी शीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातमा जिन्हों को लेके आए, उनको कहा कि डेंटिस्ट्री का काम छोड़ें और मेरा साथ दें, और मुस्लिम लीग ने भी खवातीन को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जी दुनिया में बहुत जबरदस्त तब्दीलियां आ रही हैं, और बड़ी तारीखी तब्दीलियां आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, खुशकिस्मत हैं कि हमारे सामने एक नई दुनिया उभर रही है। और इसका इशारा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सबसे पहले 90 साल पहले अल्लामा इकबाल ने दिया था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, सी द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, और गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उभरने लगे, गया दौर सरमायादारी, गया तमाशा दिखा के मदारी गया। अब 90 years ago, 90 साल पहले, जब चीनी कौम खत्म हुई हुई थी, अफीमी कौम थी, उनकी कुछ नहीं था, उनकी आजादी भी नहीं थी, उसके बारे में ये बात करनी, और फिर ये मशरक के उभरते हुए कि एशियन सेंचुरी उभरेगी, तो ये तो बड़ी कमाल की विजन है, इलामी शायरी है कह ले आप। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि ये जो तब्दीली आ रही है कि मगरब से मशरक की तरफ जो ताकत का तवाजन है वो तब्दील हो रहा है। और मैं नोट कर रहा था, किसी ने मुझे इंटरव्यू भी किया कि जी 2022 में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे, तो मैंने कहा कि सबसे अहम स्टेटमेंट जो मेरे ख्याल से सबसे अहम था 2022 का, वो फ्रांस के सदर मैक्रों ने दिया था सितंबर 2022 को, और उसने कहा, और ये ही वॉज एड्रेसिंग द फ्रेंच एम्बेसडर्स, और उन्होंने कहा कि 300 years ऑफ वेस्टर्न हेजेमनी इज कमिंग टू एन एंड, 300 साल की मगरबी बालादस्ती का खात्मा होना जा रहा है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट कि ये जो तारीखी तब्दीली हमारे सामने आ रही है, और इस तब्दीली का एक महवर तो एशियन सेंचुरी है जिसका मैंने जिक्र किया, और उस एशियन सेंचुरी में उसका सतून जो है राइज ऑफ चाइना, और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट है। और इसकी वजह से आपने देखा है कि अब एक सर जंग की भी तैयारी शुरू हो गई है अमेरिका और चीन के दरमियान। सो एक तो ये बुनियादी तब्दीली, आलमी तब्दीली कह रहे हैं। दूसरी तब्दीली जो बड़ी अहम है, हमारे खत्ते में आ रही है, हमारे पड़ोस में आ रही है, जो हिंदुस्तान है रियासत, उसके बुनियादी कैरेक्टर में एक तब्दीली आ रही है कि एक जमाने में चाहे नाम निहाद सही या ब्राय नाम सही, इट वॉज नेहरूवियन सेकुलरिज्म, कि एक सेकुलर मुल्क है जिसमें बाकी मजाहब भी हैं और लोग भी हैं, उनका भी हिस्सा है, उनका रोल है। लेकिन मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी से ताल्लुक है जिनका, और आरएसएस का भी वो है, उन्होंने ये तब्दील कर दिया टू द रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्वा, और ये जो हिंदुत्वा है हर जगह एक नजरियाती सोच कि हिंदुस्तान में हमने एक हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान बनाना है, और कश्मीर में भी जो उन्होंने कब्जा किया है उसका भी बुनियादी मकसद यही है कि एक अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करना। और इसके निशानदेही बड़ी अच्छी की थी हिंदुस्तान की बड़ी एक अजीम खातून है, राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, अरुंधति रॉय,
उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखा था 15 अगस्त को, उन्होंने कहा था कि इन टुडेज इंडिया आरएसएस इज द स्टेट एंड एन आर्किटेक्चर ऑफ फैशिज्म इज बीइंग इरेक्टेड, एक फैशिज्म का एक बुनियाद रखी जा रही है और अब रियासत जो है आरएसएस होगी। और आपने देख लिया जो मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, मसीह बरादरी के साथ हो रहे हैं, सिखों के साथ हो रहे हैं, एक पूरा एक एटीट्यूड जो नॉन हिंदू मिनोरिटीज हैं उनके हवाले से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है क्योंकि इसके असरात हमारे साथ होंगे, इसके असरात उनके बांग्लादेश के ताल्लुकात के साथ भी होंगे और जो एटीट्यूड्स हैं अपने अपने मुसलमानों के साथ जिनकी आबादी 25 करोड़ है वो भी होंगे। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि एक यूरोप में फिर से जंग छिड़ गई और सब कहते थे कि ये जंगें तो अब खत्म हो गई हैं यूरोप में, यूरोप बड़ा सिविलाइज्ड है, यूरोप बड़ा महजब है और यूरोप में तो ऐसी चीजें होती नहीं है, ये तो तीसरी दुनिया में होती हैं, एशिया में होती हैं, मुस्लिम दुनिया में होती हैं। लेकिन यूरोप में बाकायदा इस वक्त एक शदीद जंग हो रही है और उस जंग के काफी इम्पैक्ट भी हो रहे हैं और उस जंग की वजह से एक नई तकसीम दुनिया में आ गई है जिसे कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ यानी के यूरोप और अमेरिका जो वेस्ट है और ग्लोबल साउथ यानी के एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका। और आपने देखा कि पिछले हफ्ते जो वोट हुआ यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में उसमें 25 सालों के बाद पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना ने तीनों ने एब्सटेन किया, हमने मजम्मत नहीं की रूस के जो हमला किया है और कब्जा किया है कुछ हिस्सों का यूक्रेन का, हमने कहा कि नहीं हम अपना मौकफ, और श्रीलंका, बांग्लादेश और भी ममालिक है इसमें काफी, और बल्कि सऊदी अरेबिया और यूएई का भी रवैया तब्दील हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और आपने देखा कि शी जिनपिंग जो चीन के सदर हैं वो अभी पिछले दिनों सऊदी अरेबिया गए हुए थे और उनकी तजारत अब आरएमबी और रियाल में होगी, डॉलर्स में नहीं। तो ये दुनिया में एक खत्ते में तब्दीली आ रही है, इस हमारे अपने खत्ते में आ रही है और इंटरनेशनली भी आ रही है। और मैंने जिक्र किया था अभी के जो कोल्ड वॉर है उसकी क्या बुनियाद है, एक बड़ा अच्छा, क्योंकि आप लोग सारे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, स्कॉलर्स हैं। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पढ़ रहा था पिछले साल आइए गलबन दिसंबर में, उनका टाइटल है द ग्रेट टेक राइवलरी चाइना वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स, ये छपी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, 52 पेजेस की है, गूगल आप करेंगे ग्रेट टेक राइवलरी चाइना वो आपको निकलेगी। एक प्रोफेसर है ग्रहम एलिसन, उन्होंने लिखी, सीनियर प्रोफेसर, उन्होंने कहा है बेसिक क्या कंक्लूजन है स्टडी का, ये अमेरिकन स्टडी, चाइना इज ओवरटेकिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग। और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने जिक्र किया है कि चाइना ने पिछले साल कोई 1.5 अरब सेल फोन, कोई 2.5 करोड़ कंप्यूटर्स, कोई और कोई इतने 25 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस की और सारा किया, और चाइना किस तरह आगे निकल गया है इन चीजों में। और चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, रोबोटिक्स, ये जो फील्ड्स हैं इसमें किस तरह आगे निकल गया है। और एक और एरिया है जिसे कहते हैं स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, STEM, उसमें भी चाइना अमेरिका से आगे निकल गया है। और इस पर यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से 130 ममालिक की चीन के साथ ज्यादा तजारत है, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। और आपने देखा होगा कि 9/11 के बाद अमरीका ने जो 20 साल एक जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान में, फाटा में, अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, सोमालिया में, उसमें $6.5 खरब $6.5 trillion जाया किए, ये अमेरिका की स्टडी है ब्राउन यूनिवर्सिटी की। उसी दौरान 9/11 के बाद उन 20 सालों में 2001 से लेकर 2022 तक चाइना ने $4 खरब $4 trillion इन्वेस्टमेंट में किए, 3,000 प्रोजेक्ट्स एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका। तो चाइना की इकोनॉमिक सेंट्रिक पॉलिसी है, कनेक्टिविटी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसमें सीपैक भी शामिल है, और अमेरिका की आपने देखा मिलिट्री सेंट्रिक पॉलिसी है। तो उस हवाले से पाकिस्तान का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और उस रोल के हालांकि हमारे इस पर मुश्किलात भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी लोकेशन है
और जो हमारा ओवरऑल रोल है इस खत्ते में, देखें जी, वी आर द हब ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से गवादर पोर्ट आया, और गवादर पोर्ट जो है इस वक्त सबसे नजदीक आउटलेट है समंदर के साथ फॉर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सारी ट्रांजिट ट्रेड हमारी ग्वादर से हो रही है। ग्वादर 900 किलोमीटर है कंधार से, कराची जो है वो 2000 किलोमीटर है खैबर पास तोरखम से, जलालाबाद से, और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, सारे ममालिक चाहते हैं और ख्वाहिश भी है कि ट्रेड जो है उनका बाहर जो होना है अरेबियन सी, वो आउटलेट थ्रू ग्वादर हो। तो पाकिस्तान का इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार बन रहा है। हम जब पाकिस्तान का रोल देखते हैं उस हवाले से एक और भी उसका एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान का एक तारीखी पंस मंजर भी रहा है, गो कि हमारे पास वो वसाइल नहीं रहे, हमारे पास कई दफा वो लीडरशिप वो विजन वाली भी नहीं है कई दफा, अब भी अनफॉर्चुनेटली फुकदान है उस चीज का वो, लेकिन फिर भी चूंकि हमारा एक मुल्क इतना बड़ा है, हमने एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया अपने माजी में, हमने सपोर्ट भी किया चाहे अफ्रीका की लिबरेशन मूवमेंट्स हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बोस्निया के महाजीन हो, उनको भी बना दिया, तो हमारा एक ग्लोबल एक रिस्पेक्ट भी है कि पाकिस्तान में एक कैपेसिटी है, पोटेंशियल है और एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो रोल अदा करने का। इस वक्त हम एक और सिचुएशन जो देख रहे हैं कि हमारा जो इस खत्ते में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सारा फोकस चाइना हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, सऊदी अरेबिया हो, रशिया हो, इवन ईरान, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा सिलसिला बेहतर हो। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक मौका भी मिला है, स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है, क्योंकि 20 साल के बाद अमेरिका इस खत्ते में नहीं है और अमेरिका की जो प्रेजेंस थी वो मेरे ख्याल में वो मनफी थी, क्योंकि उससे जंग भी थी और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कम है उनके, उनके इंटरेस्ट अलाइन है हिंदुस्तान के साथ। फिर जो यूक्रेन की जंग की वजह से अमेरिका भी उसमें फोकस कर रहा है यूरोप के अंदर, फिर सीपेक की वजह से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आई है 26 अरब डॉलर की, जिसकी वजह से 85,000 लोगों को जॉब नौकरियां भी मिली हैं, जिसकी वजह से ग्वादर बंदरगाह भी जिंदा हुई, जिसकी वजह से थार में कोयला भी जो है वो हमने माइनिंग शुरू कर दिया है। तो एक सबसे जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख का, वो आगे चल रहा है, गो के कई दफा सुस्त रफ्तारी हो सकती है बिकॉज हमारी जो अपनी सिस्टम है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, हमारी हुकूमतें कभी तब्दील होती हैं, कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं, क्लैरिटी नहीं, पॉलिसीज नहीं, तो उसमें मुश्किलात आती हैं। लेकिन ये चाइना जो सबसे राइजिंग पावर है और चाइना जो है वो दुनिया की सेकंड नंबर की इकॉनमी है, वो हमारा इस वक्त बेस्ट फ्रेंड है, उनको हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। हमारे चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो खैर इंटरनली है हमारे इंटरनेशनल, मैं नहीं समझता कि हमें कोई बाहर से कोई उस तरह खतरा है जिस तरह माजी में रहा। हिंदुस्तान को भी पता है कि ठीक है वो अपने डिस्टेबलाइज करता है, वो कभी पैसे देता है बलूचिस्तान में मूवमेंट को सपोर्ट करने में, पहले TTP को भी देता रहा है, वो सारा करता है, हम भी कोई टिट फॉर टैट पॉलिसी होती है, लेकिन ओवरऑल हमारे चैलेंजेस इंटरनल हैं। इंटरनल में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो स्टेट और सोसाइटी के दरमियान एक फुकदान सा आया हुआ है कि हमारी जो रियासती निज़ाम है, ढांचा है, वो बड़ा दकियानूसी हो गया है और बैडली गवर्न, आउटडेटेड, पुराने जमाने की तर्ज हुकुमरानी है, चाहे हमारी सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारी सोच हो हाउ टू गवर्न, क्योंकि हमने वो भी ऊपर से ही सारा करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट को हमने स्ट्रेंथन नहीं किया, डिवोल्यूशन हमने वो नहीं की, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है उसमें बड़ी जान है, चाहे ख्वातीन हो, नौजवान हो, वी आर 70% ऑफ पाकिस्तानीज आर अंडर द एज ऑफ 35, उनमें खौफ का खात्मा हो गया है, दे स्पीक अप, कोई होली काउज नहीं है, बातें करते, ठीक है सजा भी मिलती है उसकी, कई चैनल बंद हो जाते हैं, कोई और चीजें हो जाती हैं, लेकिन पीपल स्पीक अप। पहले हम बात नहीं कर सकते थे आर्मी के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या है, वो बड़े खाम
खामोशी से डर के बाद आपको खुल के बातें हो रही हैं सारी, और जो भी इश्यूज हैं अगर साजिशें भी हो रही हैं तो उसका भी बेनकाब कर रहे हैं कि किसने क्या किया और उसकी जिक्र भी होता है। ये एक जानदार सोसाइटी की निशानी है और जो हमारे लिए बहुत अहम है कि इम्पोर्टेंट है। जो कोर इश्यूज को जा रहा है वो इकोनॉमी तो उसकी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो है कि हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस में वो जो रूल्स ऑफ द गेम कहते हैं उस तरह नहीं हुए, और एक ऐसी तकसीम आई हुई है जो तकसीम जो है उसने माशरे को भी तकसीम कर दी है, और उसमें बड़ी एक टॉक्सिसिटी भी आ गई है जिस किस्म की जुबान और इस्तेमाल हो रहा है। और आपने देखा कि अगर टीवी टॉक शो देखें या उसमें हिस्सा ले, मैं तो नहीं हिस्सा लेता टीवी टॉक शोज में अनलेस कि मेरे साथ एक्सक्लूसिव वन टू वन इंटरव्यू ना हो और वो भी मेरे मर्जी के टॉपिक का हो, वरना आपस में तो तू मैं और बहुत लेवल गिर गया है। उसमें आपको मालूम नहीं मिलती कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या तब्दीली आ रही है, और तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और जो इकोनॉमी है उसकी एक्सप्रेशन है, इकोनॉमी का जो मेन इशू है कि हम मुश्किल फैसले अभी तक नहीं कर सके। मुश्किल फैसले से मुराद ये है कि हमने मईशत को जरमाल रखा है चंद मखसूस मफादात का, जिनको हम सब्सिडी भी देते हैं, जिनको हम मदद भी करते हैं, चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे वो रियल इस्टेट के लोग हों जिनके मराद बढ़ते हैं और जो कॉन्ट्रीब्यूशन भी बड़े कम करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा रोल होना चाहिए वो टैक्स बेस रेज करने का या लोगों को रिलीफ देने का वो नहीं है। एक ही फार्मूला है, ट्राई टेस्टेड एंड फेल्ड। IMF जाए, 23 दफा आप IMF जा चुके हैं, वो रिजल्ट आपको पता ही है, वो लिमिटेड लेवल पर होता है तो उस हवाले से। लेकिन अभी भी आप देखें कि जो रिसेंट सर्वेस भी आए हैं, लोगों में अभी भी स्पिरिट है ऑप्टिमिज्म की कि पाकिस्तान में वी कैन बिल्ड अ बेटर टुमारो, पाकिस्तान में हम रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो ये एक जो डायनेमिज्म है हमारी सिविल सोसाइटी का, और मल्टीपल पावर सेंटर्स भी आ गए हैं। माजी में होता था, देखें जी पाकिस्तान क्या था जी, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, इसका पार्लियामेंट, उसका मैं भी हिस्सा हूँ कि पार्लियामेंट है ये वो। अब किसी ने पिछले हफ्ते कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट आया, टेल मी सेनेटर हु इज रनिंग द शो, हु इज इन चार्ज, मैं कहा नोबडी, कहता व्हाट डू यू मीन, मैं कहा पावर सेंटर्स चेंज हो गए हैं, अब जुडिशरी अलहदा पावर सेंटर है, पार्लियामेंट अलहदा है, प्रोविंसेस अलहदा हैं, और बल्कि मैंने तो उसको कहा कि अब सिविल सोसाइटी भी है, मीडिया भी है, कि अब तो वो एक तरफ से कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर एक रावलपिंडी में फौजी बैठा है तो इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस बैठा है जो अपनी बात कर रहा है, फिर कोई लंदन से आवाजें आ रही हैं, कोई लाहौर से आ रही हैं, कोई कराची से आ रही हैं, मियां साहब लंदन में हैं, इमरान खान साहब लाहौर में हैं, और जरदारी साहब कराची में है, तो ऑल ऑफ देम आर मेकिंग अ डिफरेंस। तो पाकिस्तान इस वक्त एक नए फेज ऑफ डेवलपमेंट में है, और मैं तो यही समझता हूँ कि अगर हमने रूल्स ऑफ गेम बना के अगर इलेक्शन करान आगे बढ़ना है तो इलेक्शन इज़ द वे फॉरवर्ड, क्योंकि आईन में भी यही है, और लेट द पीपल डिसाइड, एंड अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि जब अवाम का फैसला होता है तो पीपल टेक द करेक्ट डिसीजंस। जब हम उस फैसले को रोकने की कोशिश करते हैं और उस फैसले को हम एक्सेप्ट नहीं करते, फिर गड़बड़ होती है, फिर मुश्किल होते हैं। अगर थोड़ा सा मैं, चूंकि मैं बहरीन से बात कर रहा हूँ और उन्होंने बात भी की थी अपना व्हाट्सएप ने अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, इसमें जो आपने देखना होता है ये खासकर अरब्स का या दूसरे का पॉलिटिकल कल्चर, मेरा हमेशा दो तरीके से मैं देखता हूँ उसमें। एक होता है कि द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का कंट्रोल भी है ना, वो भी आपकी अकासी करता है कि क्या सोच है, कि क्या चीज छप सकती है, क्या नहीं छप सकती, तो एक वो है। और दूसरा है a linkage with the political elites. Political elites में सिर्फ वो नहीं कि जो बादशाह कौन है, दूसरे कौन है, बल्कि जो thinking लोग हैं उनसे, तो उससे अकासी होती है कि ये निजाम कैसे चल रहा है, इसमें क्या वैल्यूज सिस्टम है, और इसमें क्या किस किस्म की सोच पाई जाती है। क्योंकि जो भी कुछ सिस्टम है, चाहे क्लोज सिस्टम हो या ओपन सिस्टम हो, उसमें उसकी एक्सप्रेशन जरूर हो जाती है। और इवन अमेरिका में भी मैं देखा कि हालांकि सो कॉल्ड ओपन सोसाइटी है, लेकिन कई चीजें वो खुद भी लिख सकते हैं, उनका मीडिया भी कई चीजें वो सेंसर करता है, इसराइल हो या अभी यूक्रेन की वॉर में कई चीजें सेंसर हो रही हैं। और प्लस जो उनकी पॉलिटिकल एलिट्स हैं, जो उनके हुक्मरान तबका है जिसे कहते हैं हम, हाउ डू दे इंटरैक्ट, वो रिफ्लेक्ट करता है उस मुल्क का पोलिटिकल कल्चर।
तो मैं चाहूंगा कि मैं इस चीज पे एक फाइनल बात करूं, जो मैं मिडल ईस्ट से बात कर रहा हूं, अरब वर्ल्ड से। अरब वर्ल्ड के अंदर बड़ी तब्दीली आ रही है। 70 साल से एक मुआहदा था अरब दुनिया का, खासकर सऊदी अरेबिया का और अमरीका का, ऑयल फॉर सिक्योरिटी, कि हम आपको सस्ता तेल देंगे अमरीका को, यानी कि या मगरिब को, उसके इवज आप हमारी हिफाजत करेंगे, आप हमारे सलामती के जामिन। ये जो था अंडरस्टैंडिंग या इनफॉर्मल एग्रीमेंट, ये अब खत्म हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ी चेंज आई है कि अब अमेरिका को वो डिपेंड नहीं कर सकते ये अरब कंट्रीज। और इसलिए आपने देखा कि चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो, जिसे MBS कहते हैं सऊदी अरेबिया का, या मोहम्मद बिन जायद हो, जिसे MBZ कहते हैं UAE का, या दूसरे लीडर्स हैं, वो और तरफ देख रहे हैं, वो हमारी तरफ भी देख रहे हैं, चीन की तरफ भी देख रहे हैं, रूस की तरफ भी देख रहे हैं, और हिंदुस्तान की तरफ भी देख रहे हैं। सो दे आर लुकिंग एट अदर, सो दैट एग्रीमेंट हैज फॉलन अपार्ट। और अमेरिका ने अपने, चूंकि उनका, उनको जरूरत नहीं रही सऊदी तेल की, वो शेल गैस ले लिया, उनके पास एनर्जी का इशू हुआ नहीं रहा, तो अब वो आगे, और अब वो कह रहे हैं कि हमने चाइना का मुकाबला करना है, और चाइना के मुकाबले के लिए वो हमने सबको इकट्ठा मिलाना है। अमेरिका की जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिका में पढ़ा भी हूँ, 4 साल रहा हूँ, फाइनली मैं बात करूंगा, अमेरिका की भी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे एस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं ना जी, वो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो सारा इनका सिस्टम बना हुआ है, जो मिलिट्री सेल्स पर डिपेंड करता है, और जिसमें उनकी वॉर इकोनॉमी है, तो उनको एक दुश्मन की तलाश हमेशा होती है। सर जंग के जमाने में सोवियत यूनियन था, उसके बाद फिर मुसलमान दुनिया में, मुसलमानों की बारी आई, खैर हमारा तो उन्होंने दिया पांचा कर दिया 15-20 सालों में जो उन्होंने किया, और अब उन्होंने देखा कि चाइना, क्योंकि चाइना वाहिद नॉन वेस्टर्न पावर है जो मगरब की बालादस्ती या अमरीका की बालादस्ती को चैलेंज कर रहा है या उसके मुकाबले में आ रहा है। हालांकि चीन ने कोई जंगी तैयारी नहीं की, चीन ने कोई उनके नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन चीन का यह खौफ कि चीन उभर रहा है, वो उसकी, उसको भी रोकना है, तो उस हवाले से ये सारी सिचुएशन है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा क्लियर ऑप्शंस है, हमारा फोकस रीजनल होना चाहिए। मुझे पिछले दिनों पूछा कि जी हमें क्या करना चाहिए बैलेंस करना, मैं कहा बैलेंस का इशू तो पहले भी आ चुका है, फील्ड मार्शल अयूब के जमाने में जब भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उस वक्त भी हमें कहा जाता था कि चीन से दोस्ती ना करें, उस वक्त चीन के खिलाफ अमरीका भी था, सोवियत यूनियन भी था, हमने फिर भी, हमारे मफादात थे, हमने चीन से ताल्लुका भी उभारे, कुर्बत भी बढ़ाई, दोस्ती भी की, और दोस्ती निभाई है 50-60 सालों से। और अब तो अमेरिका ने 2 बड़े बुनियादी फैसले कर लिए हैं, उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है अक्टूबर 2022 में, उन्होंने कहा है कि नंबर 1 हमारा दोस्त, हमारा हलीफ, हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर अमेरिका का इस खत्ते में हिंदुस्तान है, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा हरीफ, हमारा सबसे बड़ा राइवल, हमारा या दुश्मन कह लें, वो चाइना है। तो उन्होंने तो क्लियर फैसला कर लिया, तो वी आर वेरी क्लियर, हमारे इंटरेस्ट जो है वो इस खत्ते में है, हमारे इंटरेस्ट इस रीजनल कनेक्टिविटी के साथ है, और हमारे इंटरेस्ट चाइना और रीजनल कंट्री के साथ है। वेस्ट के साथ हम पंगा ना लें, अमेरिका के साथ ताल्लुक अच्छे रखें। गो के मैं समझता हूँ कि बाइडन जो है वो 1 टर्म प्रेसिडेंट होगा, नेक्स्ट टर्म में मुझे लगता है कि रिपब्लिकन फिर वापस आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि ट्रंप आए, लेकिन रिपब्लिकन का लग रहा है, लेकिन लेट्स सी दैट। और बाकी जो सिचुएशन इस वक्त है, जिस किस्म का दबाव हमें माजी में आता रहा है, वो उस तरह दबाव भी नहीं आ रहा, तो इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है, हमें एक मौका है कि हम एक आजादाना पॉलिसी बनाएं खत्ते के हवाले से, और अपने अवाम के, अपने मुल्क के मफदात का तहफ्फुज भी करें, और उसको आगे लेके चलें इंशाल्लाह। तो आई विल क्लोज ऑन दैट नोट, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गुड डिस्कशन, आपके कॉमेंट्स, आपके व्यूज, आपके सवाल, मैं हाजिर हूँ जनाब। थैंक यू सर, एंड थैंक यू प्रोफेसर साहब फॉर ऑनरिंग मी, एंड इट्स अ प्लेजर एंड डिलाइट। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया, ये एक तो जो बड़ा काम हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक एयर ऑफ ऑप्टिमिज्म जो है ना वो वापस आया, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम बड़े डिप्रेस सारे फील कर रहे थे। वेरी वेल डन सर, वेरी वेल डन। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, कायदे आजम हैड नो आर्मी, नो एटम बॉम्ब, नो बिग मनी, नो ISI, नथिंग, उनके पास एक कुव्वत अमानी क्यादत थी, एक सियासी जमात थी, और अवाम की सपोर्ट थी। तो हम तो अभी बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं, तो अभी भी वो कहते हैं पंजाबी में दाने मुके हुए, डरे हुए हैं, हाथ मलते रहते हैं कि क्या बनेगा।
तो क्वेश्चन बहुत से हैं सर, पहले फैसल ज़ियादे हैंड्रेस किया था जी फैसल, और उसके बाद हाशिम फारूक जी फैसल, वेरी क्विकली क्योंकि बहुत से सवाल होंगे और मुशाहिद साहब को कहीं जाना भी है, तो जी फैसल अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फैसल ज़िया है और मुशाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ही इज़ द वेरी वन ऑफ द वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस जिनकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं डिस्पाइट ऑफ एनी डिफरेंसेस। जो बोलते हैं तो पता चलता है कि अ मैन ऑफ वर्ड जो है वो बात कर रहा है। सर मैं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकरीरें सुनी हैं और जो आप इंडिया में भी जाके डिबेट्स करते रहे हैं बहुत जबरदस्त, आपकी इवन ये कि मुशर्रफ के दौर के भी हमने आपकी ना बहुत सारी स्पीचेस सुनी हैं और बहुत जबरदस्त और जामिया बात करते हैं आप, विद जस्टिफिकेशन बात कर रहे हैं। वेरी मतलब प्लेजेंट सर आज का रहा है सेशन। सर मैं दो तीन फैक्ट्स पे बात करना चाहूंगा। एक तो ये कि सर अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं, मतलब अभी बात हुई थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला, सर पाकिस्तान का और इंडिया का तो मेरे ख्याल के मुताबिक मुकाबला बनता नहीं है। कुछ फैक्ट्स मेरे पास है सर, 750 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की इस टाइम पे, और पाकिस्तान की कितनी है सर, 27 अरब डॉलर। 750 और 27 अरब डॉलर की इकोनॉमी आपस में कोलैप्स कर ही नहीं सकती, आपस में एक दूसरे की मुठभेड़ कर ही नहीं सकती। हमारा तो उनके मुकाबले में वॉल्यूम ना होने के बराबर है, हम तो उनके लिए मान ही नहीं रखते सर, और हमारा और उनका इकोनॉमी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसके अलावा सर मैं ये जानना चाह रहा था सर, माशाल्लाह आपका इतना मतलब पॉलिटिकल कैरियर रहा है, इस टाइम पे आपने अभी, मैं कामरान खान साहब का एक शो सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, सेशन से पहले आपका उनके साथ था, आपने बोला कि वी हैव वेस्टेड 2022। एग्जैक्टली सर आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने 2022 को वेस्ट कर दिया है पूरे का पूरा। ये वो टाइम था जब हम इससे पहले कोविड के दिनों में सर आपको पता होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कहाँ पे पहुंची हैं, पूरे एशिया के कंट्रीज में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की थी, और अचानक ही हम लोग ऐसे डाउनफॉल हो गए कि जैसे हम लोगों का तो हाल श्रीलंका से भी बुरा हो गया। सर मेरी इन सारी फैक्ट्स के साथ मेरी आपको सिर्फ एक मुद्दबाना गुजारिश है, आपकी सर तमाम पोलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLQ हो, PMLN हो, या इवन PTI, सारे आपकी सर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी आपसे सर एक एज अ सिविलियन ऑफ पाकिस्तान, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सर आप इस चीज पे थोड़ा सा रोल अदा करें, इन लोगों की प्रायोरिटीज कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। हमारी प्रायोरिटीज है ही नहीं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने IT की मद में, हमने सर्विसेज की मद में, सर हम सर्विसेज की, हमारी 27 अरब डॉलर टोटल एक्सपोर्ट्स हैं और इंडिया की जो सर्विसेज की मद में, सिर्फ IT सर्विसेज की मद में 254 अरब डॉलर है, हम कहाँ है और वो कहाँ है। मैं सर आपसे गुजारिश ये करूंगा कि काइंडली रिक्वेस्ट है, प्लीज आने वाली जनरेशन के लिए या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको किसी एक टेबल पे लेके आए। सर ये बहुत हो चुका है, ये इस तरह वो आते हैं तो इनको जेलों में डालते हैं, ये आते हैं तो वो उनको जेलों में डालते हैं। सर हम लोग कहाँ हेड कर रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल मतलब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है एज अ यूथ। मैं आपको सर बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं PhD एस्पिरेंट, हम लोग ऑनेस्टली हम लोग इतने ज्यादा इस टाइम शदीद साइकोपैथ हो चुके हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग कितनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। सर ये प्लीज आपके कुछ अल्फाज हमारी फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। थैंक यू फैसल ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच। मुकाबले की बात मैंने नहीं की थी, मैंने हिंदुस्तान के हवाले से जो रोल तब्दीली आ रही है, लेकिन कुछ पस मंजर बड़ा जरूरी है। एक तो ये याद रखें कि साइज जो है किसी मुल्क का डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। अमरीका से 90 मील दूर एक छोटा सा जजीरा है, इसका नाम है क्यूबा। उसकी आबादी 90 लाख है। उसमें एक इंकलाब आया, अमेरिका ने 20 दफा कोशिश की उस इंकलाब को खत्म करने की, वो कायम रहा, और इस वक्त क्यूबा जो है इट इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन लैटिन अमेरिका एंड द थर्ड वर्ल्ड, बल्कि मेडिकल इमदाद हमें भी करता है। और जितने अमेरिका ने लैंड वॉर्स लड़ी है, कोरिया से शुरू करें, एशिया में कोरिया, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान, सारी जंगें वो हारे हैं। तो ये जरा पसमंदर जरा क्लियर होना चाहिए, वरना अगर मिलिट्री माइट से होए था, हाँ इंडियन इकोनॉमी बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया की लीडरशिप में एक चीज बढ़ी, नेहरू की मैं क्रेडिट देता हूँ, 50s से उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IIM हर बड़े शहर में कायम किए। हमने अफगान जिहाद के लिए एक सिर्फ मांगा था इंस्टीट्यूट $10 मिलियन का,
both alums, Lahore University of Medical Science, Management Sciences. Education hamara tarjeehat nahi. Lekin hamam mukabla kare na kare, Hindustan ki obsession Pakistan se zaroor hai. Unke halanki hum koi unko khatra bhi nahi, aur aapne theek kaha ki hamara jo hai economy dekh le, unke exports dekh le. Lekin har jagah jahan Pakistan aata hai, Hindustan ko ya takleef hoti hai या उनकी कोशिश होती है पाकिस्तान को डैमेज करने की. हालांकि आप देख लेंगे, मैं छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ, वर्ल्ड कप था, हमने दुआ कर रहे थे कि हिंदुस्तान जीत जाए ताकि हमें भी मौका मिल जाए वर्ल्ड कप में आने का. वो जान के मैच हारे ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ना आ सके, इस हद तक है. और अभी भी देखा, जयशंकर ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या बात की, और वो बिलावल ने उसका जवाब भी दे दिया. सारा कुछ उनकी जेहन में है. बल्कि मैंने मजाक से कहा था जब मैं दिल्ली गया था, आपने बात की, और आई वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर टू एड्रेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, मुझे इनवाइट किया गया, जे एन यू बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी है, और बल्कि उन्होंने स्टैंडिंग, मैंने बड़ी खुल के बातें की. तो देखो, बात स्ट्रेट करनी चाहिए, ये नहीं कि हम भाई हैं, एक ही हैं, बुलाना है. मैं कहा ये इश्यूज हैं, ये है, ये है, ये. मैं कहा आपके मुल्क में अगर कायद आजम की तारीफ नहीं हो सकती, तारीफ कोई करेगा तो वो नौकरी खत्म हो जाती है. एल के अडवाणी ने की, जसवंत सिंह ने की. मैं कहा हमारे यहाँ लोग गांधी की भी तारीफ करते हैं, नेहरू की भी तारीफ करते हैं, हमारा ज्यादा एक पर्सपेक्टिव है. तो मैंने ये भी इस तरह की बातें की, और उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, उनको मैंने ये भी कहा कि लगता है कि आपको एक महमूद अफ गजनी कॉम्प्लेक्स है, कि पाकिस्तानी, जो हर कोई पाकिस्तानी है, कोई महमूद अफ गजनी की तरह आके फाते आ रहा है. मैं कहा हमारे कोई इरादे नहीं है, लेकिन उनकी सोच ऐसी है कि वो हर दफा वो करना चाहते हैं. तो हम इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम नॉर्मल ताल्लुकात भी चाहते हैं, और उनकी एजुकेशन अगर के हवाले से और अदरवाइज आईटी के हवाले से करें तो बड़ा हो सकता है, लेकिन इशू उनकी तरफ से है, क्योंकि उनकी एक आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी है, नजरियाती खारजा पॉलिसी है, नजरियाती अप्रोच है टुवर्ड्स मुस्लिम्स इन इंडिया और टुवर्ड्स पाकिस्तान. हाँ, जहां तक ताल्लुक है 2022 का, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी रुकावट हमारी जो तरक्की की है ना, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी भी है. मैंने कई दफा ये एक्सपोर्टर से पूछा है, कई दफा हमारे अपने जो हैं खास तौर पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं, चाहे मगरब क्या है, मशरक क्या है, आपको 37 परमिशंस की जरूरत होती है एनओसी लेने के लिए, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, रूल्स रेगुलेशन, सारा कुछ. तो उस हवाले से अगर इस हद तक आप जाएंगे, अभी पिछले दिनों में नादरा के चेयरमैन से बात हो रही थी, वो बता रहा था, तारिक मलिक नाम है उनका, प्रोफेसर फतेह मलिक साहब जो बड़े हिस्टोरियन हैं, उनके साहबजादे हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास लिस्ट है 3.5 मिलियन पाकिस्तानीज की, जिनके पास घर हैं, गाड़ियां हैं, ट्रेवल करते हैं, 35 लाख ये पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते. मैंने लिस्ट ऑफर की, कहता है मैंने एफबीआर को, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट नहीं इंटरेस्टेड. तो आप देख लेना, अगर उनके लिए फ्लैट टैक्स ही लगा लें तो 3.5 खरब रुपए आपके पास फौरन आ जाएगा. तो उस हवाले से हमारे जो अप्रोच होनी चाहिए कि वी शुड वेलकम दैट, इंकरेज दैट. और नौकरशाही का जो रोल है, एफबीआर खुद एक माफिया है, वो तो सारा चोरों को बिल्कुल अड्डा बनाया हुआ है, हर एक से वो करते हैं. लोग टैक्स नहीं देते आपके पास, आप जाए हर जगह, ब्लैक मनी खुला है पाकिस्तान में, और सरकारी पैसा लोग देने को तैयार नहीं, क्योंकि पता है कि ये जो खुद है माफियाज बैठे हैं गवर्नमेंट के अंदर जो सतंग करते हैं. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम में बड़ी क्रिएटिविटी, आपने जो बात आपकी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, आईटी की बात कर रहे हैं, ये लोग खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, इनको कोई गवर्नमेंट इंकरेज नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ ये है कि रुकावट ना बने उनके लिए. एंड आई थिंक दैट इज द की थिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाशिम साहब क्वेश्चन कीजिए, आपके बाद शफीक चौधरी साहब और फिर सुमाइला. जी बहुत शुक्रिया. जी बहुत शुक्रिया. जी मुशाहिद साहब, डॉक्टर हाशिम फारूक फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ. जी डॉक्टर साहब, जी हम ये जो बात करते हैं डॉक्टर साहब के, इस वक्त हमें रीजनलिज्म की बात हम जो कर रहे हैं कि हमें अपने रीजन के साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए. डॉक्टर साहब, एक सवाल तो ये कि खारजा पॉलिसी के हवाले से बुनियादी असूल हमेशा से ही ये रहा है कि हमें अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान की अगर तारीख में देखें 47 से देकर आज तक, हम इस बुनियादी असूल से मुखालफत में जाके हमने अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब दी है. एक तो इसके ऊपर आपको कमेंट चाहिए, और दूसरा ये कि जो हम रीजन के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं तो क्या उसमें सिर्फ चीन शामिल है, क्या उसमें ईरान शामिल नहीं है, क्या उसमें इंडिया शामिल नहीं है, और क्या दीगर मुल्क शामिल है, इस पर आपको कमेंट चाहिए. शुक्रिया. देखिए जी,
पाकिस्तान के साथ दो ममालिक चार नेबर्स हैं हमारे, चाइना, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान। इंडिया के साथ आपका मसला शुरू हुआ कश्मीर का और वो अनइवन रहा, और कई दफा हमने कोशिश की तो इंडिया ने सैबोटेज की और उन्होंने कोशिश की तो हमने सैबोटेज की। जैसे वाजपेयी साहब जब आए थे बड़ी अच्छी कोशिश थी, लेकिन कारगिल ने आके सैबोटेज कर दिया। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने कोशिश की मनमोहन सिंह साहब के साथ वो सारा करने की 2004 और 5 में, और उसमें अब किताब भी आ गई है इंडिया में, श्याम सरन है उनके साबिक फॉरेन सेक्रेटरी, वो पढ़ लें हाउ इंडिया व्यूज द वर्ल्ड। उसने कहा कि मुआहदा होने वाला था सियाचिन पर, सर क्रीक पर, लेकिन इंडिया की जो मिल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी है, उनके फौज आर्मी चीफ थे जनरल जे जे सिंह और उनके रॉ के चीफ थे के आर नारायणन, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान से मुआहदा नहीं कर सकते, अगर सियाचिन पर मुआहदा होगा पाकिस्तान को फायदा होगा, वो उन्होंने सैबोटेज कर दी। तो कोई ना कोई चीज सैबोटेज कर सकती है। हाँ, जहां हमने मैं समझता हूँ बड़ी कोताही की वो हमारी अफगान पॉलिसी थी, और अफगान पॉलिसी हैज बीन अ फेलियर। और इसमें मैं वैसे शुरू से काफी क्रिटिक रहा हूँ इस अफगान पॉलिसी का, इवन द ओल्ड डेज मैंने उसको भी कहा था कि हम वी आर पुटिंग ऑल आवर एग्स इन द अमेरिकन बास्केट, और अफगान जिहाद की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि अमरीका के अजायम और हैं, वो अफगानिस्तान में वियतनाम का बदला लेना चाहता है रूस के साथ, उसके बाद उनकी रूस के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन हमारे लोगों का ख्याल था कि हम फतवात करेंगे, अपने बंदे इंस्टॉल करेंगे, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी होगी। और अब भी पहले हमने तर्जमानी की अफगान तालिबान की, अब हम कहते हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बमबारी भी की हमने, फौज भेजेंगे। तो ये दोनों पॉलिसीज गलत हैं। ये एक्सट्रीम है कि ना तर्जमानी करें ना उनको धमकी दें, हमको एक इंडिपेंडेंट मुल्क को ट्रीट करें। और अफगान पॉलिसी में हमने आई थिंक ओवररीच किया और हमारी वो फेलियर रहा है। इंडिया की पॉलिसी को मैं समझता हूँ कि वो उसमें दोनों तरफ है, और इस वक्त ज्यादा कसूर मोदी का है, हिंदुस्तान का है। पाकिस्तान ने दो तीन दफा कोशिश की है, कल्चर की भी, कॉमर्स की भी, क्रिकेट की भी, लेकिन हर दफा इंडिया, बल्कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, चाहे फौज हो या सियासी कुव्वतें हों, जो हिंदुस्तान के साथ महाजरा ही चाहते हैं। लेकिन और आपके देखें जितने भी इलेक्शंस हुए हैं पिछले 15-20 सालों में, उसमें इंडिया हैज नेवर बीन अ फैक्टर, कोई इंडिया बैशिंग नहीं की है हमारी तरफ से। उसके बरक्स इंडिया में जो इलेक्शन होता है उसमें पाकिस्तान हमेशा इशू बनता है, और अब भी बनेगा 2024 का इलेक्शन जो आ रहा है, और उसमें पाकिस्तान बैशिंग होती है कि पाकिस्तान का खतरा है। उनकी फिल्में देख लें, अभी जो लेटेस्ट आई है पठान भी आई है, उससे पहले शेरशाह भी आई थी, सारी फिल्मों में क्या है, पाकिस्तान, ISI, वो सारा कुछ जिस तरह वो प्रोपेगेंडा करते हैं। बल्कि मैंने तो कहा था कि हॉलीवुड एंड बॉलीवुड आर द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ द US एंड इंडिया ऑल्सो, तो वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें हमारा तो ये हुआ नेबर्स का। जहां तक रीजन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में रीजन में इस वक्त लार्जर रीजन है, चाइना इज अ की पार्ट ऑफ द रीजन, लेकिन नॉट चाइना इज नॉट द ओनली वन, ईरान है, रशिया है, सेंट्रल एशिया है, बल्कि मैं रीजन में तो शामिल भी करता हूँ जहां मैं बैठा हूँ खलीज के ममालिक भी, ये जो हमारा साउथ का एरिया है, साउथ पाकिस्तान, UAE, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, ये भी दे लुक अप टू पाकिस्तान। तो रीजन में, ग्रेटर रीजन में मैं इनको भी शामिल करता हूँ। और बल्कि रीजनलिज्म का सिर्फ मतलब चाइना नहीं है, चाइना का तो सिर्फ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन रीजन में मसलन अब दो ममालिक हैं, ईरान और रशिया, हम क्यों नहीं उनसे आगे बढ़ते? इंडिया ईरान से भी तेल ले रहा है, चाइना रशिया से भी तेल ले रहा है, लेकिन हमारा जैसे कहते हैं ना पंजाबी में जाका चाका है, कि हम जरा खौफ है कि अमरीका नाराज ना हो जाए, फलाना नाराज ना हो जाए। तो इसमें हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, और जो हमारे मफाद में है, इक्तिसादी मफाद में है। और बल्कि आपने बात की हिंदुस्तान की, मैंने तो कहा भी था कि चाहे CPEC हो या TAPI हो, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, या ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, उसमें हम हिंदुस्तान को दावत दें एक्टिवली कि अगर हम आपके साथ मिलकर हम बनाते हैं, क्योंकि फिर इंडिया का भी एक स्ट्रेटेजिक स्टेक होगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और हमारा भी एक स्ट्रेटेजिक स्टेक होगा। तो लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, तो उस हवाले से उनकी तरफ से आजकल मुश्किल चल रहे हैं और चलेंगे, क्योंकि उन्होंने अगला इलेक्शन फिर जीतना है RSS ने और ये मोदी ने। और बल्कि एक बात मैं कहता चलूं कि जब वाजपेयी साहब आए थे, मैं वज़ीर-ए-इत्तला था,
1999 में बस में आए थे, तो मैं तो उनका बड़ा मद्दा हूँ कि हालांकि बीजेपी से ताल्लुक था, उनकी सोच बड़ी वसी थी। और आपको याद है कि लाहौर में वो मीनार पाकिस्तान भी गए थे, उन्होंने साइन भी किया था, सारा किया था। तो उसका उनका एक विजन था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। और उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा था कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए जमहूरियत की बुनियाद पर, कश्मीरियत की बुनियाद पर और इंसानियत की बुनियाद पर। कितनी बड़ी बात की थी उन्होंने, लेकिन उनके जो जानशीन आए हैं उनकी सोच रहा उसके बरक्स। थैंक यू। थैंक यू सर। जी शफीक सर। जी मुशाह साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जो ऑप्टिमिज्म है, ये जो आपका ऑप्टिमिज्म है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसने लोगों में एक नया जो है, आप उसे कह लें कि थोड़ी जो पिक्चर है उसको रोशन किया। दो चीज़ें जो मैंने आपकी बातों से सुनी उसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब मैं जैसे हवाले से देखता हूँ। एक तो ये था कि जो US और UAE और सऊदी का जो आपस में रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के बाद अगर उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, तो पेट्रो डॉलर जिसको हम कहते हैं, उसका क्या फ्यूचर है, इफ देयर इज एनी ट्रेंड दैट यू हैव सीन। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा डराया भी है, शायद सारे उससे डरे हुए हैं, वो है गो के आपने ये मजाक में बात की, हु इज रनिंग द शो एंड नोबडी। So if nobody is running the show, that kinda is scary. So what is the optimism in that one? I would like to see how you see that part and how is the opportunity in there. ये दो चीज़ें। Doctor Shafiq sir, if I may, I'll take the second question first. जो अभी जो बात की है, who's running the show? देखिए पाकिस्तान में देखा है कि वो एक famous saying भी थी Lord Acton की, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. हमारे यहाँ देखा है हमने कि चाहे फौजी हो या सिविलियन हो या चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो, इवन प्राइम मिनिस्टर हो, जब कोई इक्तदार आया था तो हम समझते हैं ताहयात हम हुकूमत में रहेंगे और हमारी पावर इतनी ज्यादा है कि वी टेंड टू मिसयूज इट। इस वक्त नो वन पर्सन इज फुली इन चार्ज। देखे ना, कुछ फैसले अगर पिंडी में होते हैं तो वो उसकी नफी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ फैसले अगर गवर्नमेंट करती है तो वो उधर ब्लॉक हो जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और फिर सिविल सोसाइटी भी है, फिर पावर स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, पाकिस्तान एक अगर डेमोक्रेटिक कंट्री आगे बढ़ना है तो उसमें मल्टीपल पावर सेंटर्स इज नॉट अ बैड आइडिया, रादर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन और वन पार्टी। हमारा तजुर्बा बहुत बुरा रहा है कि हमारा जो वी कैन नॉट हैंडल पावर, वी कैन नॉट हैंडल दिस थिंग, और हमारा देखा है कि वो हमेशा उसके रिजल्ट्स बड़े खराब हुए हैं मुल्क के लिए भी और उन लोगों ने भी जिन्होंने पावर वील्ड की। आप देखें ना कितनी बड़ी थी, वो आखिरी वक्त तक वो धमकी दे के चले गए जनरल बाजवा के, जी मैं मार्शल लगा दूंगा, 10,000 बंदे मार देंगे, ये कर देंगे। क्या हुआ, 29 नवंबर के बाद फारिग हो गए, वो घर चले गए, तो एक्सटेंशन नहीं मिली। सो सच अ पावरफुल मैन वाज एक्चुअली रनिंग द शो उस वक्त तक, और मतलब है कि वो, सो दैट ऑल्सो शोज कि एक सिस्टम है इंस्टीट्यूशनलाइज। तो ये इस वाले से मैं आई एम सेइंग कि लेट डिफरेंट वॉइसेस बी हर्ड। पाकिस्तान को अरब सोसाइटी नहीं है, इजिप्ट नहीं है कि जनरल सीसी आता है 5,000 बंदे मार देता है और 10 साल हुकूमत कर रहा है, चिड़ी नहीं फटक रही। इधर लोग बोलते हैं एंड पीपल रिएक्ट एंड पीपल रिजेक्ट, और हमारे यहाँ एक कल्चर रहा है डिफाइंस का, रेजिस्टेंस का, लोग बोलने का। आई वाज अ न्यूज़पेपर एडिटर इन द डेज ऑफ जनरल ज़ियाउल हक, उसको लोग बोलते थे, कोड़े भी लोगों ने खाए, जर्नलिस्टों ने बोलते थे, बल्कि इंडियन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था विद्या चरण शुक्ला, मिसेस गांधी का, मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लिखाई थी तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, उसने कहा था कि द इंडियन जर्नलिस्ट वर आस्क्ड टू बेंड बट दे क्रॉल्ड, बट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दे स्टूड अप एंड दे फेस द व्हिपिंग ऑल्सो एंड लैशेस। और दूसरी जो बात की आपने पेट्रोल डॉलर्स का, मेरे ख्याल में इरा इज स्लोली going soft and coming to an end. आप पेट्रो युआन की बात कर रहे हैं, इवन पेट्रो रूबल्स, आप ये देखें, दो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप अमेरिका में बैठे हैं सो यू नो इट बेटर। बाइडन साहब ने, प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि मैं एमबीएस से बात नहीं करूंगा, ही यूज द वर्ड पराया, मतलब है इसको ये कोई इलाका गैर का जैसे कहते हैं ना वो बंदा है, आई विल टॉक टू हिज फादर किंग सलमान, क्योंकि मेरा लेवल वो है, ये तो क्राउन प्रिंस है और इसने कत्ल किया, फलाना किया, वो जो खशोगी वाला वाक्य। जब यूक्रेन की जंग हुई
तो बाइडन साहब भागे गए सऊदी अरेबिया और आपने देखा किस तरह इस्तकबाल हुआ उसका, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं, हाई एंड शेक भी नहीं हुआ एमबीएस। ये सऊदी अरेबिया जिसको हम कहते हैं जी वो उनके खास, उसने फिस्ट बम किया, यू नो ऐसे जो होते हैं फिस्ट बम, नॉट इवन अ हैंड शेक, और वो बड़ा और विदाउट स्माइलिंग एयरपोर्ट में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने रिसीव किया, उसने पैलेस में रिसीव किया और उसने एक रिक्वेस्ट की कि आप जो है अपने तेल की पैदावार इसको इंक्रीज करें क्योंकि हम रशिया से तेल नहीं रह रहे, हम आपसे तेल लेना चाहते हैं। उसके जाने के दो हफ्ते बाद बाइडन साहब के विजिट के बाद एमबीएस ने क्या किया, पुतिन ने उसको कहा कि तेल की पैदावार तुम कम करो, 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अ डे उसने कम कर दी पुतिन के कहने पर और बाइडन को ना कर दी। और मैंने उसको एक इंटरव्यू देखा था, ये अटलांटिक अखबार है, द अटलांटिक मैगजीन है, मंथली वॉशिंगटन से आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका इंटरव्यू छपा था इसका उससे पहले बाइडन के विजिट से पहले को मई में छपा था, मई 2022 में, और उसने एक इंटरव्यू था, जेफरी गोल्डबर्ग उसका एडिटर है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसाला है द अटलांटिक, और ये आपके उसमें भी है इंटरनेट में भी गूगल में देख लेंगे। उसने कहा कि बाइडन ये कहता है आपके बारे में, बाइडन ये प्रेशर डाल रहे हैं आप पर, एमबीएस ने जवाब क्या दिया 3 लफ्जों में, आई डोंट केयर। ये कभी हो सकता था कि सऊदी अरेबिया की वो अमरीका को, ये था नंबर वन। नंबर टू डॉक्टर साहब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, दिसंबर में चीन का सदर शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया आता है स्टेट विजिट, उसको क्या सलामी दी जाती तोपों की, उसका वेलकम जो होता है उसको किस तरह यू विल ट्रीट लाइक रॉयल्टी, और उसमें उन्होंने पहली दफा कहा है कि हम चीन के साथ तजारत डॉलर्स में नहीं, ये ऑयल की बात हो रही है, युआन में करेंगे और रियाल में करेंगे जो उनका सॉफ्ट। सो ये बहुत बड़ी बात है सऊदी अरेबिया से जा रही है। और आपने देखा कि इवन ऑन द इश्यू ऑफ ये यूक्रेन, ये दोनों डावाडोल रहे, यूएई भी और सऊदी अरेबिया। अब इन्होंने क्या किया, यूएई ने को समझ आ गई कि अमरीका सिर्फ एक मुल्क से कंट्रोल होता है, ये डरता है, वो इसराइल है, और इसराइल से हम तल्लुका बना लें ताकि अमरीका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका दबाव हम पर डायरेक्टली नहीं आएगा। तो यूएई ने वो कर दिया, बहरीन ने कर दिया, सूडान ने भी, मोरक्को ने भी कर दिया। तो उन्होंने अपने आप कह लें कि दिस इज देयर रिस्क इंश्योरेंस, कि अगर वॉशिंगटन में कोई प्रेशर पड़ा तो वो इसराइल को इस्तेमाल करेंगे। जनाब देखो ये आपका कह रहा है तो इसराइल की उनकी लॉबी बड़ी मजबूत है और सारे रखते भी हैं इसराइल से, और इसराइल इज अ होली काउ इन अमेरिका, तो वो इसलिए उनको कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी तब्दीली है, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ फैक्ट्स। तो इसलिए जो मेरे ऑप्टिमिज्म है, इट्स नॉट जस्ट कि ऑप्टिमिज्म कोई हवा में है, कि ग्राउंड रियलिटीज हमारे खत्ते में तब्दील हो रही है। और कहते हैं ना फैक्ट्स आर चेंजिंग बट ओपिनियंस आर स्लो टू चेंज। और अभी आप देखें कि अमेरिका के, मैं बड़े गौर से पढ़ता हूँ इनके रिसाले, इनके थिंक टैंक्स, इनकी जो सारा होता है, उनमें से भी आवाजें आ रही हैं कि भी चीन को क्यों दुश्मन बना रहे हैं हम, चीन ने क्या किया है। ये सिर्फ फरीद जकरिया ने नहीं कहा, और भी लोगों ने लिखा है, और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में आर्टिकल आया है, फॉरेन अफेयर्स में आया है, और जगह आया है। और आपको पता है कि पिछले दिनों में चांसलर ऑफ जर्मनी ओलाफ शॉल्ट्स वो गया है चाइना, और अभी अगले हफ्ते गालिबन फ्रांस का सदर जा रहा है चाइना। तो आप देखें कि यूरोप ने भी अमेरिका को उसका साथ नहीं दिया ऑन द इश्यू ऑफ चाइना, और सऊदी अरेबिया तो यूएई साथ दे ही नहीं रहे, वो तो चाइना के साथ पूरी तजारत भी कर रहे हैं, ताल्लुकात भी बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली आ रही है दुनिया में कि लोग अपने एक स्ट्रेटेजिक स्पेस, जिसको मैं कहता हूँ, चाहे पाकिस्तान हो, तुर्की देख लें, नेटो का मेंबर है, वो रूस से असला ले रहा है, तो वो सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब की इनकी रोल तब्दील हो रहा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर जी। शुमाइला और उसके बाद डॉक्टर सुहेल जतोई जी। शुमाइला, अच्छा सर, आप बड़ी पॉजिटिव बात माशाल्लाह कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही? जी 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 आ रही है आपकी। जी अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि आप पाकिस्तान की तरफ आते हुए आप बताएं कि आपकी पॉलिटिकल रीडिंग क्या कहती है, कि मतलब जो इतनी फ्रस्ट्रेटेड चीजें जो हमें फ्रस्ट्रेटेड करती हैं हो रही हैं, कि कब तक सेटल होंगी, और हमें पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या मतलब गाइड करेंगे, जो इतना पोलराइज्ड किस्म का एनवायरमेंट हो चुका है, इसमें हम कैसे पौधे, व्हाट इज आवर रोल, हमें क्या करना है। मैं पिछले हफ्ते था कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में,
तो उधर मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, वन ऑन वन था, मजर अब्बास साहब एक जर्नलिस्ट है कराची के, बड़े मशहूर, यूए में भी आते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो प्रोग्राम था एक घंटे का, मुशायद हुसैन के मुशायदात, तो वो उन्होंने पूछा यही सवाल उन्होंने पूछा। मैंने दो बातें उसकी की, मैं कहा एक तो बड़ी मजे की बात है कि हम जनरल जियाउल हक के खिलाफ बड़ी बात करते हैं कि मिलिट्री डिक्टेटर है और उन्होंने बड़ा ये किया। मैं कहा जियाउल हक की सोच जिंदा है, क्योंकि वो कहते थे कि जब इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नतायज आएंगे। मैं कहा अभी भी हमें मुस्बत नतायज की तलाश है, अनफॉर्चुनेटली आइन भाड़ में जाए और चीजें भाड़े। और दूसरा मैं कहा पाकिस्तान की तारीख में मेरा मुशाहिदा है कि पहली दफा हुआ है कि नॉर्मली इत्तेहाद बनते रहे हुकूमत के खिलाफ, अयूब खान साहब के खिलाफ कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज बनी, भुट्टो साहब के खिलाफ पाकिस्तान पीएनए बन गया, नौ सितारे जैसे कहते थे, मियां साहब के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बन गया, बेनजीर के खिलाफ बना, जो हुकूमत में थे पहली दफा एक सियासी जमात के खिलाफ हुकूमती अलायंस बनाया 12 पार्टीज का। तो ये भी एक अक्कासी करता है कि एक तब्दीली कितनी बड़ी आई है कि ऑपोजिशन के खिलाफ जो पार्टी हुकूमत में नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस चीज को आगे लेके चलना है तो सबको बैठा के कहेंगे रूल्स ऑफ द गेम है, इन चीजों का इलेक्शन रिजल्ट सब एक्सेप्ट करें, और ये जो क्वेश्चन है ये ट्राई टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूला है। हमने भुट्टो साहब को फांसी भी दे दी, उनकी पार्टी जब जनरल ज़िया गया वापस पावर में आ गई, मियां साहब का भी यही हुआ, और इमरान खान साहब का भी। सियासी बंदे को, सियासतदान को आप डंडे के जरिए, डिक्टाट के जरिए, जुडिशरी के जरिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए आप शिकस्त नहीं दे सकते, यू हैव टू डिफीट देम पॉलिटिकली। तो मेरे ख्याल में ये तारीख का सबक है, और मैं अपने दोस्तों को ये भी कहता हूँ मेहरबानी करके नई गलतियां करें, माजी की पुरानी गलतियां ना दोहराएं। लेकिन हम पता नहीं क्यों पुरानी गलतियां दोहराते हैं, नई गलतियां करने की भी गुंजाइश नहीं रही लगता है मुझे। थैंक यू। अच्छा मुशायद साहब, एक छोटा सा सवाल पैदा हुआ आपकी गुफ्तगू से, ये सारी बातें करके आपकी पार्टी आपको फिर भी बर्दाश्त क्यों करती है? लेकिन ये आप खुद अपनी स्पेस क्रिएट करते हैं। अगर आप अपना एक रोल अदा कर लें कि जी मैंने ये काम करना है, आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ एंड सही बात करनी है, तो फिर आप अपना एक रोल स्पेस क्रिएट करते हैं। अगर आप कहेंगे जी कायदे मोहतरम ये है वो है फलाना है, फिर वो फिर आप क्यू में लग जाए, फिर वो खुशामद और चापलूसी वो नहीं चलती। मेरे ख्याल में अगर सुकून, मैं तो बड़ा सुकून से हूँ, आई डू इट माई वे, से द राइट थिंग, ट्राई टू डू द राइट थिंग, तो उससे बात भी ठीक रहती है। और सबसे बड़ी बात होती है आपकी क्रेडिबिलिटी। अगर इस लेवल पे आके हम सच ना बोलें और सही बात ना करें तो फिर मेरे ख्याल में दैट इज नॉट राइट थिंग। बिल्कुल सही, जबरदस्त जी। डॉक्टर सुहेल जतोई साहब जी। डॉक्टर साहब। यस सर। जी सुहेल जतोई साहब। डॉक्टर साहब आप हैं? अच्छा नहीं है, तो फिर डॉक्टर जमशेद असगर साहब उनसे सवाल लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। जमशेद असगर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? नहीं सर, जैसे ये आपने बैकग्राउंड लगाया उसी तरह का बैकग्राउंड मैंने लगाया हुआ सर। ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए जरा, ग्रीन। तो मैं पिप से हूँ सर, पिप्स को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, वहाँ पे आपको काफी बार सुना भी और बड़ा कुछ सीखा भी आपसे। मेरा सर सवाल जो था वो एक छोटा सा वो ये था, जिसमें आपने पावर सेंटर्स की बात की तो उससे मेरे जेन में एक जो चीज उभरी कि पाकिस्तान की बदकिस्मती शायद ये है कि इसको कोई चीज भी जो है वो प्योर नहीं मिली, मतलब हाइब्रिड चीजें मिली हैं। अगर यहाँ पे डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर आया तो उसने सिविलियन बनने की कोशिश की है, पॉलिटिकल पावर बनने की कोशिश की है, और अगर डेमोक्रेसी आई है तो उन्होंने डिक्टेटरशिप करने की कोशिश की है। तो अगर कोई भी, अगर डिक्टेटर भी प्योर मिल जाता पाकिस्तान को तो शायद कुछ हालात बेहतर होते। और दूसरा सर पावर सेंटर्स की आपने बात की, तो इजंट इट पॉसिबल कि जो भी ये जो पोलराइज्ड किस्म के पावर डायमेंशन आजकल पाकिस्तान में हैं, कि कोई नेशनल डिस्कोर्स की कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? क्योंकि ये वैसे दो तीन हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल, उन्होंने यही बात की कि इतनी ज्यादा मायूसी सर यूथ के अंदर फैली हुई है कि हमें अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। जो एक लास्ट होप थोड़ा बहुत हमने खान साहब से लगाई थी, वो भी कुछ 6 माह के अंदर ही हमारी तो जो थी वो मतलब रफा हो गई थी कि कोई चीजें बदल नहीं रही।
तो कोई ऐसी चीज के जो भी कोई पावर सेंटर्स हैं वो बैठ के, जैसे भी आपने बात की कि रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड हो जाए कि भाई बहुत हो चुका मजाक, आज के बाद जो है वो हम लोग इन इन रूल्स के तहत जो है वो चलेंगे, इस पे कोई सर पॉलिटिकल कोशिश या कोई पॉलिटिकल एफर्ट हो रही है इसके ऊपर? सर मेरा इसमें पहली दफा आवाजें उठ रही हैं, एक ऑर्गेनाइज कोशिश तो नहीं हो रही। मसलन मैंने भी सेनेट में स्पीच में कहा, शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा, सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने भी कहा, ऐसे लोग कह रहे हैं जो अपनी पार्टी से बालतर होके, और बल्कि रजा रब्बानी साहब ने पीपल्स पार्टी की भी तनकीद की और ये भी कहा कि भी इसको हम आगे लेके चलें और ये चीजें जो हैं, और मैं समझता हूँ कि ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और आपने जो ठीक कहा, और अभी एक गैलप सर्वे भी आया 6 मार्च का, उसमें मैं पढ़ रहा था कि 53% पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि शायद इस सारे गंद को साफ करने के लिए एक कोई नई सियासी कुव्वत होनी चाहिए। ये भी बात हुई है, 53% पाकिस्तानी ने कहा है इस हवाले से। मैंने तो अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि अगर हम नहीं करेंगे तो कल को फिर एनीथिंग कैन हैपन, कोई नेशनल गवर्नमेंट आ सकती है। मैंने मजाक से ये भी कहा जनरल आइंदा खान भी आ सकता है, वो एक टर्म है, आइंदा खान से मुराद है कि मैंने सम न्यू मिलिट्री रिजीम। तो उस हवाले से मेरे ख्याल सबक सीखना चाहिए। आपके सामने दो तारीख के मिसालें हैं पाकिस्तान की। 1977 में पॉलिटिकल स्टेलमेट था, एक चपकलिश थी और बिल्कुल डायरेक्ट क्लैश हो गया था सियासत तौर पर, रिजल्ट आपके सामने है। 1993 में एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश हो गया था, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का, गुलाम साहब और मियां साहब का, और उसका रिजल्ट भी क्या हुआ। तो ये इस वक्त तो मेरे ख्याल में सिचुएशन उससे भी ज्यादा लगती है कि पॉलिटिकल क्लैश भी है और इंस्टीट्यूशनल क्लैश भी नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है कि हम आखिरी को होश के नाखून लें, और इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि जो सियासी क्यादत है अल्टीमेटली तो लूजर वही होंगे फिर, अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई सिस्टम डिमोलिश होता है या कोई और चेंज आता है तो, और मुल्क का भी नुकसान होगा, अवाम का भी नुकसान। और आपने ठीक कहा कि इस वक्त उसके रिजल्ट में इतनी सख्त वो एक नेगेटिविज्म और मायूसी फैल रही है, और फिर एक वो खलीक भी बढ़ रही है सिस्टम के दौरान और अवाम के दौरान, तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है मैं समझता हूँ। तो हमारी तो यही कोशिश है, लेकिन बड़ी मैं चेयरमैन भी हूँ डिफेंस कमेटी का सेनेट का, पिछले दिनों मैं पेशावर गया था जब ये वाकया हुआ था वो मस्जिद का बॉम्बिंग का, दहशतगर्दी का, तो लोगों को मिले भी, तो उन्होंने एक बंदे ने खान साहब ने ठीक कहा, उन्होंने कहा कि आप हमें क्या कबायल है, कबायली सोच तो आपकी इस्लामाबाद में है कि आप अपना कबीला बना लिए अपने हर एक को, एक अपनी पार्टी कबीला है या अपना इदारा एक कबीला है, तो उसके भी बलतर हो कि आप सोच ही नहीं सकते। तो मैं सबने बड़े पते की बात की थी, तो इस वक्त वक्त आ गया हमें, वी हैव टू राइज अबव द अब जात पात और ये वो सारा कुछ है, क्योंकि उसके स्टेक्स बहुत हाई हैं, और अगर नहीं करेंगे तो उसके नतायज फिर आपके सामने, आपने भी उसकी निशानदेही की, मायूसी के अलावा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो मेरे ख्याल में एक नेचुरली होंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो माजी में होते रहे भी हैं। तो मुझे उसका वो बहुत खर्चा है कि दैट वी कैन नॉट अफोर्ड इन द 21st सेंचुरी। लेकिन हमारे जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कोशिश कोई नहीं अभी तक, लेकिन शायद आगे मैंने तो कहा है कि दोस्तों को इकट्ठे हो गए कोई इसको आगे लेके चलें, कि जैसे भी हो कन्विंस ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स कहते हैं या पॉलिटिकल फोर्सेस, कुछ तो हम बैठ के पाकिस्तान का सोचें, नॉट अबाउट देयर ओन पार्टी और पर्सन। थैंक यू जी डॉक्टर बाबर साहब। मुशाहिद साहब आपने काफी दुनिया देखी है, तो आपके मुशाहिदे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा किस मुल्क में मायूस होने का शौक है? मुझे लगता है कि मायूसी भी एक शौक है ना। उसको मैं मजाक से कहता हूँ, जो आपने कहा ना टर्म क्वाइट किए, मुझे वो मैं कराची में बात करता था तो बड़े बड़े वेल ऑफ लोग जो हैं जिन्हें पाकिस्तान से बड़ा फायदा भी उठाया है और पाकिस्तान के जो बेनिफिशरी भी हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, देखे जी पाकिस्तान से बड़ा, मैं क्या वी आर पार्ट, यू आर पार्ट ऑफ अ क्रिबिंग क्लब, क्रिबिंग क्लब। मैं क्या आपका ये होता है कि आपको नींद नहीं आती जब तक दो गाली आपने ना दे जाए कि क्यों पाकिस्तान बना या क्या हुआ। मैं क्या शुक्र करें अदा करें ना शुक्रिया आप करते हैं, हिंदुस्तान जाए ना आप सलाम अलैकुम भी नहीं कह सकते, आदाब कहना पड़ता है, इतना हालात हो गए हैं। तो आप यू आर स्टिल फ्री सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री, यू आर बेनिफिशरीज ऑफ पाकिस्तान। और वो लोग हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं पाकिस्तान नहीं आना बस, हालांकि खुद बड़े बड़े ओहदे हासिल किए हैं और माशाल्लाह उन्होंने फायदे उठाए हैं, प्लॉट्स लिए हैं, नौकरियां ली हैं, वो एक है
एक खास तबका अनफॉर्चुनेटली, जिसे मैं कहता हूँ दे आर पार्ट ऑफ अ क्रिपिंग क्लब. क्रिप का मतलब है रोना धोना, हर रोज ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक. वो ठीक है यार, आप अपने आप को ठीक करें, दूसरों को ठीक करें यार, डू द राइट थिंग, घर बैठ के वो करना. तो वो एक है, एक मायूसी का वो आंसर फैलाने वाले लोग भी है, गो के मायूसी के लिए भी काफी अपने इंडिपेंडेंट फैक्टर्स भी हैं, लेकिन देयर स्टिल देयर. आप देखें ना, अब टाइम मैगजीन की स्टोरी आई, एक कवर स्टोरी क्या है, एक 24 लड़की साल की लड़की आयशा सदीका, वो जंग से लड़की है एंड शी इज स्पीकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, उसकी कवर स्टोरी आई है. जहां आप में जान है, जहां आपके कॉम में करंट है, क्यादत कमजोर है अनफॉर्चुनेटली, सियासी क्यादत की बात कर रहा हूँ. अब कितनी आप टैलेंट देखें, कितना टैलेंट है आपका, कितना टैलेंट है, लोग आके दे आर इमर्जिंग एंड डूइंग थिंग्स एंड दीज आर यंग गर्ल्स और यंग बॉयज हु आर डूइंग दिस थिंग. कट गया मेरा ख्याल लाइन, नहीं नहीं आ रही है आवाज. अच्छा और आ रही. अच्छा मुशायद साहब, हमारे पास अभी 8 लोग हैं जो क्वेश्चन जिनके हैं, तो सुहेल जतोई साहब करिए क्वेश्चन, आप पहले भी आपको बुलाया था. अगर अगर 5 मिनट्स में कर दे समाप्त, क्योंकि देन आई हैव टू. हां तो सुहेल साहब वेरी क्विकली, और फिर मुनव्वर कमाल साहब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुहेल साहब. पहले तो माजरत, मेरा चूंकि मैं एक शादी में हूँ तो मेरा सेल ऑफ हो गया था, इस वजह से जो है ना क्वेश्चन. नहीं नहीं, शादी भी एंजॉय करें जी, अच्छी बात है, यू आर आल्सो लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. और वैसे भी शायद अनवर साहब से गिला था, पीछे पीछे हमें 3-4 जो हमें रिसोर्स पर्सन आए जिन्होंने लेक्चर दिए, यकीन करें कोई एक मकबा फिक्र में जिस तरह सिर्फ दोजख की बातें करा के डराने वाली थी ना, कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्टिमिज्म नहीं था. अभी एक मैसेज आया है इश्क फातिमा साहब का कि वो भी जंग से हैं, तो मुझे खुशी है कि जंग के लोग इधर मौजूद हैं. थैंक यू. शुक्रिया, आपने एक ऑप्टिमिज्म दोबारा हमारे अंदर इस पूरा. मैंने गिला आपका दूर करने के लिए बताया था, मुझे आज साहब को भी ये बात बताई थी मैंने. हाँ जी, बड़ा थे. बहरहाल शाह साहब, ये एक आपका जो है ना सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर पीडीएम अगर आगे हुकूमत चलाती है तो फिर पीडीएम के लिए आपकी, उसको रिवाइव करने के लिए आपकी क्या सजेशन है? अगर पीटीआई मुस्तकबिल करीब में बईद में कभी उसको मौका मिलता है तो क्या वो अमेरिका, चाइना और सऊदी अरब के साथ पीटीआई के लिए आपके पास कौन सी सजेशंस हैं कि वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई सक्सेस स्टोरी हमारे लिए रख सकें? आप काइंडली इस हवाले से बता दीजिएगा. एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, जो मेरा मैं मुशाहिदा है, एक पिछले दिनों अमेरिकन जर्नलिस्ट ने मेरे से पूछा कि इज द पीटीआई एंटी अमेरिकन. मैं कह नहीं, PTI is इमरान खान का इशू था बाइडन के साथ. ट्रंप के साथ तो बड़ी यारी दोस्ती थी उनकी. मैं कहा he is not anti-American, the issue is Biden administration, जो एक हकुमत है, रियासत तो अमरीका है ना, और उसमें मैं कहा ट्रंप के साथ तो बड़ी थी. ट्रंप ने किस नाम ने, आप याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उधर गए जुलाई 2018 या 19 की बात है, तो उन्होंने कहा oh, he's a fantastic guy, he's so popular and I really like him and I'm a great fan of him and Melania, my wife, wants to have a special photograph taken with him. आप याद है वो special photo भी खिंचाई सारी व्हाइट हाउस में, बड़ा रेयर होता है इस टाइप की चीज. तो उसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी फॉरन पॉलिसी, आप देखे ना यूक्रेन की पॉलिसी थी, लोगों ने कहा जी इमरान खान साहब गए थोड़ा गलत हुआ रूस के साथ ये वो. पीडीएम की गवर्नमेंट आई, बिलावल ने ये पॉलिसी डिफेंड की वॉशिंगटन में, उसने कहा नो दिस इज अ नेशनल पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी. और अब भी उन्होंने भी वोट एब्सटेन किया था, अब भी वोट जो है एब्सटेन हुआ है. हमने सपोर्ट नहीं किया अमेरिका को, हालांकि अमेरिका ने बड़ा प्रेशर डाला. 5 वोट्स हुए हैं पिछले 1 साल में ऑन यूक्रेन, 2 पिछली गवर्नमेंट में हुए थे और 3 इस गवर्नमेंट में. वोटिंग वही है, हमने अमेरिका का साथ नहीं दिया, हमने रूस की मजम्मत नहीं की. तो उस हवाले से जो सीपेक का क्वेश्चन है, देखिए ये 2 बातें मैं बड़ा सुनता हूं हुकूमत से, हुकूमतों से. 1 विंडो ऑपरेशन एक लफ्ज है और दूसरा है फूल प्रूफ सिक्योरिटी. 1 विंडो का मतलब है जैसे बहरेन में भी है और जो लोग दुबई जा चुके हैं, जबल अली वगैरह में भी पोर्ट में, कि मैंने कंपनी खोल ली है,
within 48 hours paperwork agar aapka sahi hai aapko company ki ijazat mil jayegi. Main China gaya tha 5 saal pehle to maine mayor of Shanghai se mujhe khana kiya. Mayor of Shanghai jo sabse bada shehar hai. Main kaha Mr. Mayor, if I want to open a company in Shanghai, how long will it take? Aur ye Shanghai hai communist China ka, communist party of China ka, jo hum kehte hain ki one party state hai aur ye jamhooriyat nahi sara nahi. Wo kehta hai 48 hours. If your papers are in order, within 48 hours aapka account bhi khul jayega, bank account khul jayega, by the way. Koi yeh nahi sakte. Ye hai. Ye kaam abhi hum kar nahi sake. Ye vada Imran Khan sahab ne bhi kiya, ye vada Mian Nawaz Sharif sahab ne bhi kiya, ये वादा अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी किया चाइनीज कंपनीज को कि हम वन विंडो ऑपरेशन करेंगे. एक सीपैक अथॉरिटी बनाई, अब सीपैक अथॉरिटी अपने खत्म कर दी उन्होंने. मेरा ख्याल था अच्छी चीज थी, बनानी चाहिए एक वन विंडो शायद एक. फिर आपने बनाया, कहा कि जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे. मैं सीपैक की बात करूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. और कौन करेगा कंट्रोल? वो BOI, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट. बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जनाब पिछले 2 सालों में 5 चेयरमैन चेंज हुए. आपने क्या हुआ? हालांकि डिमार्केटेड है सारा. सो दूसरी बात, फुल प्रूफ सिक्योरिटी. अगर पाकिस्तानी वर्कर्स या पाकिस्तानी टीचर्स चाइना में हो, उन पर कातलाना हमले हो, तो हाउ वुड यू फील? अब कराची यूनिवर्सिटी में टीचर्स पढ़ा रहे हैं चाइनीज के, उन पर हमला हो रहा है. दासू में हमला हो रहा है, गवादर में हमला हो रहा है. हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो नलायकी है. देयर इज ओनली वन वर्ड फॉर दैट, आई एम सॉरी. We are a nuclear power, 2 divisions बनाई हैं. हमारा सिस्टम नहीं बन सका इंटेलिजेंस का और सिक्योरिटी का जो इनको प्रोटेक्ट कर सके. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वी कैन डू इट. लेकिन वो अब या कोऑर्डिनेशन नहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज में, या कोऑर्डिनेशन नहीं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, या कोऑर्डिनेशन नहीं फौज और इंटेलिजेंस में. देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, इट्स अ मैन मेड प्रॉब्लम. और मैंने उसको फैज को भी कहा था जब वो था DGISI, मैंने कहा ये कमाल कर रहे हैं जनरल साहब, ये हम हैंडल नहीं कर रहे और इसका रिजल्ट इट विल बी डिजास्ट्रस. बिकॉज ऑब्वियसली अगर सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं कर सके और उनके इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं और टीचर्स भी आए हैं, उनको भी आप मार देते हैं, तो फिर ये बेसिक इंपेडिमेंट्स है. चाइना नीड्स यू, वी नीड चाइना. चाइना आपको इन्वेस्ट कर रहा है, $26 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका हुआ है, 85,000 लोगों को जॉब्स भी मिल चुके हैं, और आपके 600 किलोमीटर के वो सड़कें भी बन चुकी हैं, 800 मिलियन किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बन चुकी हैं, 6,000 मेगावाट का आपकी बिजली भी बन चुकी है. द बेस्ट ऑफ सीपैक इज येट टू कम. और ये मैंने जब मैं चेयरमैन था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सीपैक, मैंने कहा था एजुकेशन, IT, एग्रीकल्चर एंड पीपल टू पीपल. ये जो है हम जो बात प्रोफेसर साहब करें, शायद साहब भी करें, पीपल टू पीपल मीनिंग ये जो थिंक टैंक्स हैं, एकेडेमिया है, उसके रिजल्ट में क्या हुआ? 28,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर टुडे स्टडिंग इन चाइना, एंड चाइना ने अगले 3 साल के लिए 20,000 स्कॉलरशिप्स ऑफर किए हैं आपको, पाकिस्तानीज को, इन डिफरेंट फील्ड्स. और एग्रीकल्चर में वी कैन लर्न सो मच. उनकी ड्रिप इरिगेशन है, मल्टी क्रॉप से, हमारी तो एक ही क्रॉप आती है, वो उसका एक फसल का इंतजार करते हैं, 3 फसलें वो कर रहे हैं. तो नई सीड्स लेके आए, नए मॉडर्न टेक्निक्स लेके आए. बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन. इंडस्ट्रियलिस्ट को तो हम पैसा देते रहते हैं और फिर भी वो सब्सिडीज होती हैं, सारा कुछ शुगर वगैरह, उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर भी तबाह हो रही है. तो हमें इसको, जो हमारा बेस है, जो बुनियाद है हमारे मुल्क की, तो तारीखी लिहाज से पाकिस्तान का स्ट्रेंथ था अ गुड मॉडर्न एग्रीकल्चर बेस. तो इसमें IT की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें हमने इंट्रोड्यूस की हैं. तो मेरे ख्याल में सीपैक का प्रोजेक्ट जो है 2015 को शुरू हुआ था, 2030 तक चलेगा. तो उसमें काफी चीजें करनी है, लेकिन चाइना ने तो वो जो सपोर्ट देनी है दे देगा, हम खुद भी तो कुछ करें ना जी. वी हैव टू टेक इनिशिएटिव्स ऑन दैट, और लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो, ये लाल फीता जो है, रेड टेप कम हो, एंड आई थिंक दैट विल टेक द इनिशिएटिव फॉरवर्ड इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच शायद साहब. आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो बताइए आप कोई ले सकते हैं मजीद, या फिर अलग सेशन रखें क्वेश्चन आंसर का, एक और सेशन रख लेंगे. सेशन रख लेंगे जी. ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर. मैं पौने 8 आ गया था, आपको पता है मैं. जी जी, आप पहले आ गए थे, हमने थोड़ा अपने टाइम के मुताबिक शुरू किया. नहीं, मैं आपको, I was waiting, so 80 मिनट्स मैंने आपको दिए पूरे आज,
डिनर है तो इधर हमारी तरह नहीं कि 9 बजे खाना खाते हैं, ये जल्दी खाते हैं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। बड़ा आई एम वेरी सॉरी कि पूरे सवाल के जवाब नहीं दिए, लेकिन मैं ये तो मुंह दिखाई थी आज।